इसमें जो तीसरा किंगडम है हम लोग पढ़े थे, आर्य भट्टिका ने बांटा था पांच जगतों में। अब तीसरा किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई। क्या पढ़ेंगे? किंगडम फंजाई। तो फंजाई इसका जो सिंगुलर होता है फंगस, क्लियर हो गया? सिंगुलर किसके? फंजाई का जो सिंगुलर होता है उसको कहते हैं फंगस, क्लियर। अब इसमें एक शाखा है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान। क्या कहते हैं? कवक विज्ञान। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं कवकों का अध्ययन करते हैं। ये क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। अब ये देखिए जो फंजाई होते हैं, फंजाई जो होते हैं क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक, हेटरो टी आर ओ पी एच आई सी, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, विषमभोजी होते हैं। क्या होते हैं? विषमभोजी हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ए क्लोरोफिलस, ए क्लोरोफिलस, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ए क्लोरोफिलस यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो फोटोसिंथेटिक नहीं करते हैं, तो इसलिए कहते हैं ए क्लोरोफिलस। इसमें और देखेंगे तो ग्रेट डाइवर्सिटी, विविधता, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। तो ये जो फंजाई होते हैं यानी कवक जो होते हैं इसमें बहुत ढेर सारी यानी ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत विविधता पाई जाती है। एक कोष की भी हो सकते हैं, बहुकोष की भी हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे कि जो हम लोग की तरफ जो कॉमन फंजाई पाया जाता है, हम लोग की तरफ जो कॉमन पाया जाता है कॉमन फंजाई को कहते हैं मशरूम। क्या कहते हैं इसको? मशरूम कहते हैं, एगरिकस। क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। और एक दूसरा होता है टोड, स्टूल, कुकुर मुत्ता, छाता के समान से ऐसे दिखाई देता है। कभी कभी आप गोबर वगैरह या कहीं ये कुछ पदार्थ वगैरह सड़ता होता है तो आप देखते हो ऐसे छात्रा के जैसे निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? कुकुर मुत्ता यानी कि टोड स्टूल। अब ये जो फंजाई होते हैं हमने चर्चा किया था, एक कोष की भी हो सकते हैं, बहु कोष की भी हो सकते हैं, यानी कि फंजाई क्या हो सकते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोष की होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो ईस्ट, बात समझ में आया कि फंजाई में जो ईस्ट होता है वह क्या होता है? एक कोष की होता है। और इसका उपयोग हम इसका उपयोग क्या करते हैं? ब्रेड बनाने में, ब्रेड बनाने में, बियर, बियर जानते हैं एल्कोहल है एक प्रकार का, तो इसको बनाने में करते हैं, क्लियर हो गया। तो ईस्ट क्या हो गया? एक कोष की फंजाई है जो क्या करता है? इसका उपयोग हम ब्रेड बनाने में यानी बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में, और बियर यानी एल्कोहल इंडस्ट्री में इसका उपयोग करते हैं, बात समझ में आ गया। अब ये जो क्रिया होती है ईस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन यानी कीटोन का क्रिया करता है। क्या करता है? फर्मेंटेशन यानी कीटोन करता है, और कीटोन के फलस्वरूप ये ब्रेड बन जाता है और बियर बन जाता है, एल्कोहल बनता है, क्लियर हो गया आपको। उसमें जैसे क्या करते हैं? आटे को, मैदा को गूंथ कर रख देते हैं, उसमें रखते हैं, इसको ईस्ट को डाल देते हैं, तो एनारोबिक एस्पिरेशन के थ्रू यानी फर्मेंटेशन के थ्रू क्या होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बन जाती है, और जिसके वजह से आप ब्रेड जो देखते हैं वो स्पॉन्जी ऐसे दिखता है, बीच बीच में स्पेस, खाली स्पेस दिखता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वजह से होता है, बात समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये जो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं आपने देखा कि क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, कोशिकीय होते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं कि ईस्ट ब्रेड और उसे बनाता है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो डिजीज काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं, ये काज करते हैं प्लांट और एनिमल पर, प्लांट्स पे भी करते हैं और एनिमल पे भी करते हैं, क्लियर हो गया। कि बहुत से ऐसे फंजाई होते हैं जो पौधों पे भी, फंजाई क्या करते हैं? पौधों पर भी लोग उत्पन्न करते हैं, और क्या करते हैं? जंतुओं पर भी लोग उत्पन्न करते हैं। अलग अलग फंजाई होते हैं, ये अलग अलग क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, बात समझ में आ गया। अब इसमें आप देखे होंगे एक पक्सिनिया, पक्सिनिया
नाक फंजाई है जो सरसों पे आप क्या करते हैं, ऐसे सफेद सफेद पाउडर के समान संरचना दिखाई देता है, बीमारी उत्पन्न करता है मस्टर्ड पर। तो पक्षिनिया होती है जो मस्टर्ड यानी सरसों पर क्या करता है, डिजीज उत्पन्न करता है, सरसों के पौधे पर सफेद सफेद दाने के जैसा दिखाई देता है और रोग उत्पन्न करता है। तो ये क्या करते हैं, वो पक्षिनिया है, पक्षिनिया जो क्या करता है, सरसों पर रोग उत्पन्न करने का काम करता है। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो क्या करते हैं, जिनसे आप एंटीबायोटिक बनाने का काम करते हैं, यानी कि प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो पेनिसिलियम है, जिसे क्या करते हैं, हम पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाते हैं। तो क्या हो गया, कुछ फंजाई क्या करते हैं, आपने देखा पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, पक्षिनिया जो होती है, और सरसों पे क्या करता है, सरसों पे सफेद सफेद ऐसे दाने जैसे बना देता है। और उसके बाद सब लिखा गया कि कुछ जो फंजाई होते हैं जो क्या करते हैं कि वो जिनसे एंटीबायोटिक बनता है, तो उसमें आपने लिखा पेनिसिलियम नामक फंजाई है, जिससे हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक बनाते हैं, क्या कर सकते हैं एंटीबायोटिक बनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक कोश की फंजाई यानी इसके विषय में चर्चा किया। अब हम लोग देखेंगे कि जो मल्टी सेलर जो बहुकोशिकी फंजाई होते हैं, जो मल्टी सेलर बहुकोशिकी फंजाई जो नग्नाखों से दिखाई देते हैं, तो उनका जो शरीर जो होता है लॉन्ग थ्रेड लाइक हो जाता है, ठीक है, धागे जैसा होता है। कभी कभी आप देखेंगे ब्रेड पे, कभी कभी आप ब्रेड जैसे मान लीजिए घर पे आप ब्रेड कभी अरे गिर गया हो या छोड़ दिया गया हो, तो कभी जो एक आध हफ्ते बाद बाहर निकलता है तो उसमें सफेद सफेद ऐसे धागे जैसी संरचना बन जाती है। तो सफेद सफेद तो धागे जैसी संरचना बन जाती है, तो उन संरचना को हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। एक जो धागे जैसी संरचना आएगी उसको हाइफा कहेंगे, और ग्रुप ऑफ हाइफा माइसीलियम कहलाता है। खूब पूछा गया प्रश्न है, माइसीलियम क्या कहते हैं उसको, माइसीलियम किसका कहते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफा, हाइफा के समूह को माइसीलियम कहते हैं। क्लियर हो गया, हाइफा माइसीलियम क्लियर, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे कि जो हाइफा होता है क्या होता है, हाइफा वो दो प्रकार का होता है। हाइफा हम लोगों ने पढ़ा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो क्या कहते हैं उसको, हाइफा कहते हैं। तो हाइफा दो प्रकार का होता है, एक होता एसेप्टेट को सिनोसिटिक भी कहते हैं, ठीक सिनोसिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक टीआईसी सिनोसिटिक हाइफा, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है, ए मतलब अब्सेंट। जैसे ये हम लोग पता है ऐसे धागे की जैसे संरचना बनाए, ऐसे संरचना होता है, तो इसको हम लोगों ने हाइफा कहा था। अब इसमें क्या होता है, कुछ फंजाई में ऐसे बीच बीच में ऐसे पार्टीशन रहता है, बीच बीच में ऐसे पट पाया जाता है, सेप्टम पाया जाता है। क्या कहते हैं, पट यानी कि सेप्टम, ठीक है। तो इस अब देखा जाए कि जिस फंजाई में सेप्टम पाया जाता है उसको सेप्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टेट हाइफा कहते हैं, और जिस फंजाई में सेप्टम नहीं पाया जाता है उसको ए सेप्टेट कहते हैं। ए मतलब अब्सेंट, बात समझ में आए। तो अब अगर सेप्टम पाया जाएगा तो मान लीजिए न्यूक्लियस सब अलग अलग रहेगा, लेकिन जिसमें क्या होगा, ये क्या होगा, सेप्टम नहीं रहेगा, तो उसमें क्या होगा, एक ही पूरा ऐसे दिखाई देगा। क्लियर हो गया आपको। तो यहां पे आपने लिखा है कि एसेप्टेट हाइफा, इसको आपने सिनोसिटिक हाइफा भी कहा था। क्या कहा था, सिनोसिटिक हाइफा कहा था। और इस प्रकार का जो हाइफा होता है वह क्लास जो है किसमें, क्लास फाइकोमाइसिटीज,
थाई को माइसिटीज, क्या हो गया फाइकोमाइसिटीज क्लास है, तो फाइकोमाइसिटीज क्लास में जितने भी फंजाई पाए जाते हैं सब में जो हाइफा होता है वह एसेप्टेट होता है, क्या होता है एसेप्टेट होता है, और दूसरा हो गया सेप्टेट, क्या हो गया सेप्टेट हाइफा, यानी कि क्या हो गया सेप्टम प्रेजेंट, क्लियर, यानी कि जिस फंजाई के हाइफा में, जिस फंजाई के हाइफा में सेप्टम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं सेप्टेट, क्या कहते हैं सेप्टेट कहते हैं, और इस प्रकार का जो क्लास है एस्कोमाइसिटीज, कौन ये क्लास है क्लास एस्कोमाइसिटीज और क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, क्लियर हो गया, ये क्लास है सब फंजाई के क्लास है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हो गया तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का करेक्टर है कि सेप्टेट हाइफा पाया जाता है, और फाइकोमाइसिटीज में आपने लिखा क्लास क्या हो गया एसेप्टेट होता है हाइफा, एसेप्टेट होता है या सिनोसिटिक हाइफा होता है। अब ये प्रश्न इसको पूछता है तो पूछता रहता है कि सिनोसिटिक हाइफा इज करेक्टर ऑफ, सिनोसिटिक हाइफा जो होता है वह किसमें पाया जाता है, तो अगर आपके पर दिया हो क्लास फाइकोमाइसिटी दिया है तो आप क्लियर करेंगे कि क्लास फाइकोमाइसिटीज के कौकों में क्या होता है सिनोसिटिक हाइफा पाया जाता है या एसेप्टेट हाइफा पाया जाता है, लेकिन वहीं क्या हो गया क्लास एस्कोमाइसिटीज और क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में सेप्टेट हाइफा पाया जाता है, यानी कि सेप्टम प्रेजेंट विद इन द हाइफा, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हो गया क्या हो गया ये हो गया हाइफा, याद हो गया आपको, तो हाइफा क्या हो गया हाइफा जो पकड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं धागे के समान जो संरचना पाई जाती है कवकों का उसको आप कहते हैं हाइफा, और हाइफा के समूह को माइसिलियम कहते हैं। ये भी पूछा गया खूब, माइसिलियम इज, माइसिलियम होता है तब नंबर एक हाइफा, नंबर टू ग्रुप ऑफ हाइफा, बात समझ में आ, तो सीरियम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसिलियम, माइसिलियम जो पूरा है वह पूरा सब हाइफा होते हैं उसी के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं माइसिलियम। अब देखिए जो इनकी जो किसकी जो फंजाई का सेल वॉल होता है वह जो बना होता है यानी कि सेल कह सकते हैं सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड ऑफ बना होता है किसका काइटिन, किसका बना होता है काइटिन का, काइटिन का अगर देखेंगे तो ये है काइटिन हो गया, और कह सकते हैं पॉली सैकेराइड्स, ठीक है, तो किसके मिलकर बना होता है काइटिन का बना होता है और पॉली सैकेराइड्स होता है उनसे मिलकर बना होता है। खूब प्रश्न पूछा जाता है कि हाइफा जो होता है जो सेल वाला फंजाई इज मेड अप ऑफ बना होता है, एक तो विकल्प दे देगा सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज का तो बना नहीं होता है, किसका बना होता है काइटिन का बना होता है, क्या बना होता है सेल वॉल किसका फंजाई का, तो फंजाई का सेल वॉल किससे मिलकर बना कि काइटिन का और पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मोस्ट ऑफ फंजाई हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, अधिकांशतः जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं हेटरोट्रॉपिक होते हैं, बात समझ में आया। एक हो गया सेप्रोफाइटिक, क्या हो गया सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइट्स, ये कुछ ऐसे फंजाई होते हैं, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो क्या होते हैं कि मरे हुए जीव जंतु जैसे सड़ते हैं डिकेइंग, कह सकते हैं DECYING डिकेइंग प्लांट्स, अच्छा एनिमल, प्लांट्स हो या एनिमल हो उसी से ऑर्गेनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं, अपना भोजन जो होता है उन्हीं से प्राप्त करते हैं, तो उनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स, क्या कहते हैं सेप्रोफाइट्स, यानी कि मर रहे सड़ रहे जीव जंतुओं से क्या कहते हैं ऑर्गेनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं और उसी से क्या कहते हैं वो अपना जीवन चलाते हैं, तो इनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स यानी मृतोपजीवी, कौन जीवी मृतोपजीवी, क्लियर हो गया।
सब लोग कहा था, हम लोग ने कहा था कि क्या हो गया, सब लोग फाइट हो गया था, उसके बाद से बताया गया कि जो क्या होते हैं कुछ फंजाई जो होते हैं कि पैरासाइट्स होते हैं, सम प्लांट्स सम फंजाई पैरासाइट्स परजीवी, क्या हो गया पैरासाइट्स यानी परजीवी, परजीवी का मतलब, परजीवी का मतलब होता है कि ऐसे जीव, ऐसे जीव जो कि अपना भोजन किसी अन्य जीवी जीवों से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं किसी अन्य जीवी जीवों से प्राप्त करते हैं तो उनको पैरासाइट कहते हैं। और ये देखा गया कि अधिकांशतः जो पैरासाइट होते हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं, यानी काजस डिजीज, क्या कहते हैं रोग उत्पन्न करते हैं। अब ये जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं पैरासाइट्स भी होते हैं, तो पैरासाइट्स होंगे तो अगर जंतु में पाया जाएगा तो एनिमल पैरासाइट्स कहेंगे और पौधों में पाए जाएंगे तो प्लांट पैरासाइट कहेंगे। बात समझ में आया। और भी अगर कहेंगे तो क्या होगा कि अगर शरीर के अंदर पाए जाते हैं तो इंडो पैरासाइट कहेंगे, क्या कहेंगे इंडो पैरासाइट अंतः परजीवी, और शरीर से बाहर पाए जा रहे तो इक्टो पैरासाइट कहेंगे। बात समझ में आया, इंडो पैरासाइट इक्टो पैरासाइट और पैरासाइट। तो इसमें फंजाई के विषय में बताया गया कि क्या होते हैं पैरासाइट्स भी होते हैं, वो प्लांट पैरासाइट्स भी होते हैं और एनिमल पैरासाइट्स भी होते हैं। कुछ क्या कहते हैं सिम्बियोसिस शो करते हैं, सिम्बियोसिस सहजीविता, क्या कहते हैं सहजीविता यानी कि सिम्बियोसिस प्रदर्शित करते हैं। तो सहजीविता में जो जीव भाग लेते हैं उनको सिम्बियोंट कहते हैं, सहजीवी सिम्बियोंट, क्या हो गया ये कह सकते हैं सिम्बियोंट्स सहजीवी। बात समझ में आया। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब दो जीव एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, या यह हो सकता है एक को फायदा हो दूसरे को फायदा न हो, तो इस प्रकार का जो एसोसिएशन बनता है तो उसको इस प्रकार की घटना क्या कहते हैं सहजीविता कहते हैं, और जो भाग लेने वाले होते हैं सहजीवी सिम्बियोंट कहते हैं सहजीवी। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि जैसे इसमें क्या होता है एक लाइकेन है, क्या है लाइकेन, क्या हो गया लाइकेन आप आता खूब आता है, तो इसमें एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई खूब आता है लाइकेन के विषय में। लाइकेन क्या है तो लाइकेन यानी कि कहेंगे कि यह क्या है एक प्रकार का सहजीवन है जिसमें एल्गी यानी शैवाल और फंजाई पाए जाते हैं। बात समझ में आया। अब इसमें क्या होता है जो नीचे वाला पोर्शन होता है लाइकेन का वह किसका होता है फंजाई का होता है, किसका होता है फंजाई का होता है, तो जमीन से या सबस्ट्रेशन से ये लगा हुआ होता है और क्या करता है ऑर्गेनिक पदार्थ अवशोषित करता है, ऑर्गेनिक पदार्थ क्या करता है अवशोषित करता है, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वह एल्गी का रहता है, एल्गी ठीक है। अब इसको खनिज लवण और पानी नीचे से मिल रहा है और ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करता है, एल्गी जानते हैं ग्रीन होती है तो क्या होगा फोटोसिंथेसिस करेगी तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनेगा तो इसका भी काम चलता रहेगा और इसको भी वो देता रहेगा। तो ये क्या हो गया ये देखिए खनिज लवण नीचे से अवशोषित कर रहा है, ये भोजन ऊपर से बना के इसको भी दे रहा है, दोनों का काम कर रहा है, तो ये लाइकेन हो गया यानी एक प्रकार का क्या ग्रेट सिम्बियोसिस सहजीविता है जिसमें काम भी बढ़ा है, एल्गल एल्गी भी होता है और फंजाई पाया जाता है, दोनों आपस में मिलकर और एक साथ रहते हैं, अपना जीवन चलता रहता है। इस प्रकार के समायोजन को क्या कहते हैं लाइकेन कहते हैं, क्या कहते हैं लाइकेन कहते हैं। एक बात आती है माइकोराइचा, माइकोराइचा ये भी खूब पूछा जाता है, माइकोराइचा क्या हो गया माइकोराइचा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है फंजाई होता है और जो हायर प्लांट्स फंजाई हो गया है फंजाई, और जो उच्च पौधे होते हैं जैसे पाइनस ठीक है। अब क्या हो गया ये फंजाई जो उच्च पौधे पाइनस है उनके जड़ों में पाया जाता है। बात समझ में आया। तो जड़ों में पाया जाता है तो इस प्रकार का एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। किसकी किसके साथ हुआ था फंजाई और पाइनस, फंजाई और पाइनस यानी कह सकते हैं पाइनस के अलावा हायर प्लांट्स रूट्स, हायर प्लांट्स रूट्स ठीक है, उच्च पौधों के जड़ों में क्या होता है फंजाई और पाइनस समायोजन कर देते हैं, तो ये अवशोषण करने का भी काम करेगा और ये इनका ग्रो करेगा, तो इसको कहते हैं माइकोराइजा। ये भी खूब पूछा गया है माइकोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ, माइकोराइजा किससे किससे मिलकर बना होता है तो फंजाई होता है और साथ में उच्च उच्च
पौधों के जड़ों में ये पाया जाता है। इस प्रकार से माइक्रोराइजा एक क्या है, सिम्बियोसिस सहजीविता है। लाइकेन भी एक प्रकार क्या है, सहजीविता यानी कि सिम्बियोसिस है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फंजाई के एक जनरल कैरेक्टर को पढ़ा था, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन के विषय में चर्चा करेंगे। ओके।